अपनी दवाई ले लेना। क्या बात है, कुछ छुपा रही हो मुझसे? ऐसा कुछ नहीं है जो बताऊं आपको। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बात है जो तुम बताना नहीं चाहती? मैंने कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, और आपने ये जासूसियां करना बंद कर दें। मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगी? तुम्हारी अपनी हूं, तुम्हारी फिक्र हो रही है मुझे। अपनी हालत देखो क्या हो गई है। जब से तुम्हारी बात पक्की हुई है, मैं महसूस कर रही हूं, तब से ही तुम्हारी ये हालत है। यही बात है ना? जब सब कुछ पता है तो जानबूझकर उस कुएं में क्यों धकेल रही है मुझे? कुएं में? हम ऐसा क्यों चाहेंगे? ऐसा चाहती नहीं है, लेकिन कर तो वो ही रही है ना। ये बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छे लोग हैं। खुर्रम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। अगर इतना ही अच्छा है तो अपनी बहन का क्यों नहीं करवा देती? जुगनू, अपनी हद पार मत करो। बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको भी ये झूठी हमदर्दी मेरे साथ करने की कोई जरूरत नहीं है। जुगनू, मेरी बात तो मुझे सोना है, आप भी जाएं ना उससे। सोनिया, तुम इस रिश्ते से खुश हो ना? इस सवाल का आप क्या मतलब है? सोनिया, तुम ठीक हो? मैं तो इस रिश्ते से बहुत खुश हूं। मुझे जो चाहिए था वो मैंने पा लिया। मेरे दिल ने तो तुम्हें देखते ही तुम्हारी तमन्ना की थी। I'm so lucky. Is everything okay? Excuse me. Hello, Sonia, कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा हूँ, तुम फोन ही नहीं अटेंड कर रही हो। हमजा, क्या हुआ सोनिया? सब ठीक है ना? और ये शोर कैसा है? मामा मेरी एंगेजमेंट करवा रही हैं। क्या? मजाक कर रही हो ना सोनिया? तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम्हें होश भी है? तुम ये क्या कह रही हो? हमसे मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या बात बताई है मुझे? तुम्हें अपनी मामों को बताना चाहिए था सोनिया। मैं अभी फूफो को लेकर तुम्हारे वालदेन से बात करने तुम्हारे घर आ रहा हूँ। सोनिया, मोहब्बत की है मैंने तुमसे, मैं तुम्हें इस तरह किसी और का कैसे होने दे सकता हूँ? सोनिया, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर। नहीं प्लीज हमजा, अभी मत आना। वैसे ही पहले बहुत तमाशा लग गया, तुम आओगे तो और तमाशा होगा। प्लीज अभी मत आना। शट अप सोनिया।
अभी भी तुम अपने पेरेंट्स को डिफेंड कर रही हो? मैं जानती हूँ मैं उनको डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन प्लीज हमजा अभी मत आना। मैं सुनिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इस वक्त तुम्हारे घर आ रहा हूँ और मैं ये नहीं होने दे सकता। यहाँ बहुत शोर है, मुझे तुम्हारी आवाज भी नहीं आ रही है। मैं बाद में बात करती हूँ। ख्वाहिश की बारिश कोई बरसी हुई तो है, फिर भी मेरी जिंदगी तरसी हुई तो है। तू रहे आशना या रहे अजनबी मेरी हर सांस। What did you think? क्या लगता था हार मान जाऊंगी मैं? इस लड़की की बेइज्जत के सामने घुटने टेक दूंगी। बहरहाल जो कुछ हुआ सही नहीं हुआ। आपको इसलिए ठीक नहीं लग रहा क्योंकि आपने अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के बारे में कभी सोचने की जहमत ही नहीं की। मैंने हमेशा अपने बच्चों के लिए दौलतमंदी की नहीं बल्कि उनकी दायमी खुशियों के लिए दुआ की है। आजकल के जमाने में आसिफ साहब खुशियां दौलत से मशरूत हैं। दौलत हो तो दुनिया की हर खुशी खरीदी जा सकती है, और मेरी बच्ची जिस किस्म के लाइफस्टाइल की आदी है मैं उसे वही देने की कोशिश कर रही हूँ। यही तो आपसे गलती हुई है। सीरियसली ये लगता आपको सोनिया के लिए तैमूर से बेहतर चॉइस कोई हो ही नहीं सकती? एस्टैब्लिश बिजनेसमैन है, दौलत की रेल पेल है, करोड़ों का मालिक है, और क्या चाहिए मेरी बेटी को?